की बात कर लेते हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। श्रीनगर की जल झील ठंड से जम चुकी है। दिल्ली में भी पारा 3 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। बिल्कुल, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि शीतलहर का प्रकोप अभी जारी रहेगा, यानी कि आने वाले वक्त में इसी तरह से अभी दिल्ली वासियों के सामने परेशानी रहेगी, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ेगी। अब ऐसे में अगर हम बात करें तो 3 डिग्री से भी नीचे पारा दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है। अब देखिए आपकी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में किस तरह से ठंड बढ़ गई है, जिससे जनता को परेशानी खासतौर पर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि आने वाले दिनों में बिल्कुल राहत की कोई उम्मीद नहीं। और दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो डल झील है वो ठंड के चलते जम चुकी है, बर्फ की चादर वहां पर बिछी हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर दिल्ली की, जहां दिल्ली एनसीआर में भी लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, शीतलहर का प्रकोप जारी और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में पारा 2 डिग्री से नीचे भी लुढ़क सकता है। बिल्कुल, यानी कि और ज्यादा मुसीबतें बढ़ेंगी। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग इस बढ़ती हुई ठंड से बचने के लिए, लेकिन अभी राहत मिलने वाली नहीं है। अभी और ज्यादा परेशानी ठंड की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को तो होगी, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसका साफ तौर पर असर मैदानी इलाकों में देखने के लिए मिल रहा है। और यही कारण है कि ठंड काफी बढ़ गई है, लोगों के सामने बड़ी परेशानी, पूरी तरह से आम जनता प्रभावित हो रही है ठंड की वजह से। अलग अलग जगह पर हम देखें तो यहाँ पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं इस ठंड से बचने के लिए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो जगह जगह पर जो ठंड है लगातार बढ़ती जा रही है, शीतलहर का प्रकोप जारी है। लोग अपने अपने तरीके से ठंड से बचने के तमाम उपाय कर रहे हैं। और बिल्कुल, अब देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर की है, गुरेज की है, उसके बाद गुलमर्ग और शिमला की तस्वीरें। आप देखिए कि किस तरह से यहां पर भारी बर्फबारी हो रही है, और यही कारण है कि पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है उसका साफ तौर पर असर मैदानी इलाकों में देखने के लिए मिल रहा है, और लोगों की परेशानी अब यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जब लगातार पहाड़ों में बर्फबारी होगी साफ तौर पर उसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई देगा, और असर अब बहुत हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, दिल्ली वालों को सावधान रहने के लिए कहा है, और ठंड से बचने के तमाम उपाय लोग अपने अपने तरीके से अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, और इसी बीच एक अहम बात यह भी है कि इसी कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान भी जुटे हुए हैं। देने वाली ठंड पड़ रही है, लिहाजा देखिए कैसे श्रीनगर की डल झील भी जमने लगी है। उधर कश्मीर के ज्यादातर जिलों में रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री नीचे गिर गया है, जिससे लोगों को जम्मू से लेकर करगिल तक हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहां के रहने वाले बता रहे हैं कि डल झील के इस तरह जमने का नजारा सालों पहले देखा गया था। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ज्यादा ठंडा लग रही है, और यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पर देखने का नजारा भी दूसरा कुछ अद्भुत है। सबको घूमने में भी सबको अच्छा लगेगा, और भी यहाँ आएंगे घूमने के लिए टूरिस्ट वो लोग को भी अच्छा लगेंगे। पर अभी तो यहाँ का मौसम ही थोड़ा सा पूरा ठंडी है, ठंडी में थोड़ा सा लगता है कि जैसा मौसम होगा वैसा घूमने में मजा आएगा। उधर राजस्थान में शीतलहर के साथ सर्दी का सितम जारी है। 24 घंटे के दौरान ही ज्यादातर शहरों में पारा 3 डिग्री सेल्सियस और नीचे चला गया। ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम था। राजस्थान का एक भी शहर ऐसा नहीं है जहां रात का पारा 7 डिग्री से ज्यादा हो। वहीं माउंट आबू और जैसलमेर के बाद अब चूरू में पारा माइनस में चला गया है। बीती रात माउंट आबू में तापमान -2.5 और चूरू में -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में इंसान से लेकर पशु पक्षी भी ठंड की कहर के आगे बेबस दिखे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तापमान लगातार गिर रहा है। कई जगह तो तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम, शिमला के बराबर 2.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का सामान्य तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। लिहाजा लोग जहां तहां आग तापकर ठंड से बचते हुए दिखाई दिए। शीतलहर से पंजाब में फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अमृतसर में ठंड का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ न्यूनतम पारा 0.4 डिग्री रहा, जो सूबे में सबसे कम है। जलंधर कपूरथला में पारा 1.6 डिग्री रहा। शीतलहर के साथ कोहरा भी बढ़ेगा। उधर चंडीगढ़ में भी पारा लगातार गिर रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, ये सीजन में सबसे कम है। अगले कुछ दिन तक पारा और गिरेगा और धुंध पड़ सकती है।
और देखिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई देश इन दिनों ठंड की चपेट में हैं, क्योंकि वहां भी जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे वहां के लोगों का जीना भी मुहाल हो रहा है। जर्सी में बर्फबारी से पूरे इलाके में बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछ गई। पहली तस्वीर में बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में बर्फ की एक मोटी लेयर बन गई जो करीब 4-5 इंच की दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में बर्फ को मशीनों से हटाने का काम चल रहा है और स्नो कटर की मदद से बर्फ को रास्ते से हटाया जा रहा है। बर्फबारी के बीच न्यू जर्सी के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई। वॉशिंगटन डीसी में भी बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट आई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि वहां मौसम साफ होते ही सड़कों से बर्फ को हटाने का काम किया गया, लेकिन अब भी कई इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछी है और देखने से नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी हटाई जा सकती है। अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा में भी बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। लगातार हो रही बर्फबारी से पूरे इलाके में मानो सफेद चादर बिछी हुई है। पार्क, सड़क, पहाड़ पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं। आने वाले दिनों में बर्फबारी से तापमान में और गिरावट आएगी। बिल्कुल, यानी कि आने वाले दिनों में और ज्यादा परेशानी हो सकती है जिस तरह से तापमान में गिरावट आएगी। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।